नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों आपका ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, चाहे आपका एग्जाम किसी भी एसएससी का हो या फिर दोस्तों आपका रेलवे का हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों आपका टॉपिक होता है। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपका प्री एग्जाम हो चाहे आपका मेंस एग्जाम हो, दोस्तों दोनों में ही आपके ज़बरदस्त क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। जे आपका जो आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है दोस्तों, कम्प्लीटली जो आपका टॉपिक जो फॉर्मूला बेस्ड जो आपका चैप्टर है और फॉर्मूले पर आपका डिपेंड करता है। इसके जो बहुत से फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन इसकी जो कुछ बेसिक्स जो बातें होती हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं। अगर आपने थोड़ा भी इसका जो बेसिक्स अच्छे से जो है क्लियर कर लिया, तो आपसे क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना जो है दोस्तों बहुत ही कम हो जाती है। तो चलिए हम बिल्कुल जीरो टू हीरो जो है स्टार्ट करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री, ये जो फुल बेस होता है किस पर, राइट एंगल पर, यानी कि ये जो आपका इसका ये जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, जैसे कि ए बी और आपका सी हो गया, तो ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं आपका समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता हुआ दोस्तों कि इसकी जो तीनों साइड होती हैं, यानी कि दोस्तों आपका ये जो आपका यहाँ पर देखें तो ये थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, वो आपकी लंब होती है। और ये जो आपका 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो आपकी कर्ण होती है, बाकी जो भुजा दोस्तों होती है वो आपकी आधार होती है। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका कि आधार का स्क्वायर प्लस में आपका लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर। तो ये जो आपको पता हुआ दोस्तों, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार लंब यही रहेगा और हर बार आधार आपका यही रहेगा, लेकिन आपका जो कर्ण है वो हमेशा फिक्स रहेगा, जो 90 डिग्री के ठीक सामने पर ही रहेगा। कभी कभी आपको स्थिति जो आपको ऐसे जो दी जाएगी, और इसमें जो आपका थीटा जो होता है दोस्तों वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और यहाँ पर तो आपका 90 डिग्री बनेगा ही, 90 डिग्री के ठीक सामने की बजाय जो आपकी कर्ण होती है दोस्तों, इसको कि आप क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी कि आपका कर्ण। और ये जो आपका क्या है दोस्तों थीटा है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, अब यहाँ पर आपका लंब क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों आपका लंब ए वाली साइड हो जाएगी, बाकी जो बचा दोस्तों वो क्या हो जाएगा फिर, बाकी जो बचा वो आपका आधार हो जाएगा, यानी कि आधार जिसको क्या कहते हैं आपका बेस, ये जो आपका लंब यानी कि दोस्तों परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपका कम्प्लीटली दोस्तों इसी पर डिपेंड करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल पर, यानी कि दोस्तों समकोण त्रिभुज पर। और इसी के जो त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उन्हीं का ही अनुपात जो आपके सामने बनाया जा गया, जो कि अपने आपको पहले जो आपको पढ़ा होगा आपने लाल बटे कक्का, यानी कि दोस्तों वो यहीं से निकल करके आता है। जैसे कि दोस्तों आपने क्या पढ़ा होगा यहाँ पर आपका ये जो आपका लाल बटे काका, लाल बटे कक्का, या फिर इंग्लिश वालों ने दोस्तों आपका पढ़ा होगा पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो आपका इंग्लिश वालों ने ये पढ़ा होगा। तो अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आपके होते हैं वो आपका क्या होते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से हटाता हूँ, यानी ट्रिग्नोमेट्री के छह रेशियो जो होते हैं जो कि आपने पढ़ा होगा, साइन टीटा, कॉस टीटा, टेन टीटा, कोट टीटा, आपका सेक टीटा, कोसेक टीटा। उनमें दोस्तों आपके यहाँ पर होता है आपका साइन टीटा, उसके अलावा होता है आपका कॉस टीटा, और होता है आपका दोस्तों यहाँ पर आपका टेन टीटा, कोट थीटा, आपका सेक थीटा, और आपका दोस्तों एक होता है आपका कोसेक थीटा। ये जो आपका छह थीटा हैं जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और छह हुए क्या हैं, आप इनको बहुत ही कठिन लेते हैं लेकिन बहुत ही सिंपल हैं। अभी कैसे सिंपल हैं चलिए मैं आपको बताऊंगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि दोस्तों टेन उल्टा होता है किसके, कोट के, टेन कोट के उल्टा होता है। और दोस्तों कोसेक जो होता है वो आपका सेक के उल्टा होता है, और साइन जो होता है वो आपके कोसेक के उल्टा होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके अपोजिट होता है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर आपका ये जो क्या है, ऊपर एल है नीचे का है, यानी कि दोस्तों आपका लंब बटे दोस्तों क्या है कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों मैं इसको लंब बटे कर्ण ना फड़कर मैं इसको डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ दोस्तों, एक ये जो आपका क्या है साइन थीटा है, क्या है आपका साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं है, ये जो आपकी त्रिभुज के जो लंब आधार उन्हीं का रेशियो बनाया जाता है, इन्हीं को डायरेक्ट नाम दिया दे दिया जाता है। जैसे इसी का उल्टा कर दिया जाए, कर्ण बटे आपका दोस्तों लंब, कर्ण बटे लंब, तो दोस्तों एक क्या हो जाएगा
कोसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपका साइन थीटा के विपरीत क्या होता है, आपका कोसेक थीटा होता है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो तीनों त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उन्हीं के रेशियो हैं, उन्हीं के नाम हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो पता चल गया कि कौन जो होता है वो किसके अपोजिट होता है। अब चलिए हम जो है दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आपका लाल बट्टे काका, यानी कि दोस्तों या तो आप इंग्लिश की इंग्लिश से भी कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है लंब है, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। ये क्या है के है कर्ण, और इंग्लिश में आपका कर्ण हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं करना चाहें तो। तो यहाँ पर हम बात करें लंब बट्टे कर्ण, अभी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था इसको क्या कहते हैं आपका साइन थीटा, और इसी का उल्टा कर दिया जाए कर्ण बटे लंब, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये दोनों आपको रेशियो आपको यहाँ पर पता चल गए होंगे, और बिल्कुल दोस्तों ये जो रेशियो है आपको रटे हुए होने चाहिए। अब बात करें यहाँ पर आपका ऊपर ए है नीचे के है, यानी कि आधार बटे कर्ण, क्या है आपका आधार बटे में आपका आधार बटे है कर्ण, इसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों कोस थीटा, और इसी को उल्टा दिया जाए यानी पलट दिया जाए कर्ण बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा के उल्टा होता है आपका सेक थीटा, क्या होता है कोस थीटा के उल्टा आपका सेक थीटा। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं ऊपर इस तरफ क्या है आपका लंब है, नीचे क्या है आधार, यानी कि लंब बटे में दोस्तों क्या है आपका आधार है, ये क्या होता है दोस्तों आपको इसको हम क्या कहते हैं टेन थीटा, और इसी को दोस्तों आपका आधार को ऊपर लें आधार बटे में आपका लंब को नीचे लें, तो आपका टेन के उल्टा क्या होता है दोस्तों आपका कोट होता है कोट थीटा। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पर पता चल रहा होगा कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं उनका उनको जो आपका जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं उन्हीं का अनुपात बनाकर डायरेक्ट नाम जो है दोस्तों उनको कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर दोस्तों कन्फर्म हो गया होगा। अभी हम जो है यहाँ पर थोड़ा बेसिक्स जो पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन जो होने वाले हैं, तो बने रहिए क्लास में। तो सबसे पहले मैंने आपको दोस्तों क्या बताया यहाँ पर आपका कि जो आपका साइन थीटा होता है वो किसके उल्टा होता है दोस्तों कोसेक थीटा के, जो कि आपको अच्छे से दोस्तों ये बात पता होना चाहिए, और जो आपका कोस थीटा होता है वो आपका सेक थीटा के उल्टा होता है, और जो आपका टेन थीटा होता है दोस्तों वो आपका कोट थीटा के उल्टा होता है। ये तीनों बात आपको अच्छे तरीके से जो है दोस्तों पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहीं से जो आपके फॉर्मूले होते हैं जो सूत्र होते हैं वो आपके यहीं से बनते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर आपका कि साइन थीटा गुणा में हम कर दें कोस थीटा कोसेक थीटा, तो ये क्या होता है दोस्तों आपका वन होता है। वन क्यों होता है दोस्तों, अभी हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि साइन थीटा क्या था आपका, साइन थीटा था आपका लंब बटे कर्ण, और जो आपका कोसेक थीटा क्या था दोस्तों आपका कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका लंब से लंब कट जाएगा कर्ण से कर्ण, कर्ण यानी एक गुणा एक, एक गुणा एक कितना होता है दोस्तों एक, तो वो एक होता है वो आपका इसलिए यहाँ पर निकल करके आता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गया होगा दोस्तों कि ये जो आपका एक कहाँ से निकल करके आता है। तो आपका साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा करें तो आपका रिजल्ट वन आता है। वही बात करें आपका कि साइन थीटा बराबर हम आपका एक को इधर लाएं और कोसेक थीटा को दोस्तों आपका नीचे भेज देते हैं, तो आपका कुछ इस प्रकार से जो फॉर्म बनती है, और जो आपका कोसेक थीटा होता है इसको आप इधर लाएं तो आपका साइन थीटा नीचे जाएगा। तो यहाँ से जो आपका तीन फॉर्मूले होते हैं दोस्तों जो कि आपके सामने निकल करके जो आ चुके, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब जो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर और फॉर्मूले जो आपका बनाते हैं, आपका पैटर्न जो होता है वो आपका यही फॉलो होगा, यानी कि आपका कोस थीटा गुणा में हम करें सेक थीटा बराबर कितना आएगा आपका बनाएगा, बात करें कोस थीटा बराबर आपका वन ऑफ ऑन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर वन ऑफ ऑन कोस थीटा, यानी कि जब दोस्तों हम कोस थीटा को लेते हैं तो एक एक को इधर लाते हैं तो सेक थीटा नीचे चले जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपके फॉर्मूले बनते हैं ये जो आपका दोस्तों बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। जब आपके क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उस टाइम जो दोस्तों ये हर एक पैटर्न जो हर एक इम्पोर्टेंट जो आपका फॉर्मूला यूज होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा गुणा में हम बात करें कोट थीटा, ये भी क्या होता है वन होता है, और टेन थीटा बराबर वन ऑफ ऑन कोट थीटा भी होता है दोस्तों, और कोट थीटा बराबर वन ऑफ ऑन दोस्तों टेन थीटा होता है, क्या होता है। तो ये तीनों आपका तीनों आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपने दोस्तों यहाँ पर सुना होगा, क्या सुना होगा कि साइन थीटा बटे आपका कोस थीटा क्या होता है दोस्तों आपका टेन थीटा होता है,
जो कि बिल्कुल करेक्ट है, होता है तो होता है, यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला होता है अगर इसी को पलट दिया जाए, यानी कि आपका कॉस थीटा बटे में आपका साइन थीटा करें, तो ये जो आपका कोट के विपरीत क्या होता है, आपका टेन के विपरीत कोट, तो ये जो है दोस्तों हमारा क्या निकल करके आता है, कोट थीटा। तो बिल्कुल आपको दोस्तों यहाँ पर पता चल गए होंगे। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इनको चलिए दोस्तों मैं हटाता हूँ, इनको जो मैं हटाता हूँ बिल्कुल तरीके से। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद फिर उसके बाद जो आपकी जो आइडेंटिटीज बनती हैं, आपकी जो टेबल बनती है, आपके जो क्वाड्रेंट बनते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, सब कुछ जो है दोस्तों हमें यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर आपकी, आपका बताइए कि साइन थीटा बराबर है आपका तीन बटे पाँच, साइन थीटा बराबर क्या है तीन बटे पाँच, तो मेरे को यहाँ पर आपका कोट थीटा बताइए कि कोट थीटा क्या होगा, और यहाँ पर आपका सेक थीटा बताइए कि सेक थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये जो क्या है तीन बटे पाँच है, तीन बटे पाँच, तो ये जो तीन बटे पाँच है आखिर क्या है। तो आपको पता हुआ दोस्तों कि साइन थीटा बटे, मैंने आपको क्या बताया था कि आपका लंब बटे करण होता है, क्या होता है आपका साइन थीटा लंब बटे करण, बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल रही होगी ये बात। तो अब हम यहाँ पर आपका एक राइट एंगल बनाते हैं, यानी कि आपका समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये ए हो गई, ए बी हो गई, और ये आपकी सी हो गई, ए 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका क्या होगी करण होगी थीटा। मेनली हमें यहीं पर जो आपका लेकर के चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी, बाकी बचा भुजा जो बची वो क्या हो जाएगी आपके आधार, यानी जो बचा जो भुजा आपकी बची वो क्या हो जाएगी आपकी आधार। अब आपको हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि एक क्या है ये जो आपका लंब है और एक क्या है करण है, तो करण कितना है इसका दोस्तों आपका पाँच है, यहाँ पर आपको दोस्तों दिख रहा है यानी कि करण इसका कितना है पाँच है, और जो लंब है वो कितना है तीन है। तो आपको जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो यहाँ पर आपको लगा देनी है लास्ट में। अभी थोड़ी देर बाद जो है दोस्तों मैं आपको ट्रिपलेट जो होते हैं वो अच्छे से बता दूंगा, और जब आपने ट्रिपलेट को सीख लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे जो आपका फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से जो है दोस्तों देख करके बता दें कि इनकी जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों आपका करण का स्क्वायर, यानी कि आपका करण का स्क्वायर माइनस ये जो आपका लंब का स्क्वायर निकाल देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा दोस्तों आपका आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर दोस्तों निकल करके आ जाएगा। इसका स्क्वायर करें तो दोस्तों 25, 25 में से आपका तीन का स्क्वायर करें तो 9 बचेगा, बजाएगा तो कितना बचेगा ये जो 16, 16 पर आप रूट चढ़ाएंगे स्क्वायर को काट कर, तो कितना आएगा आपका 4, तो ये जो भुजा कितनी निकल करके आ गई दोस्तों आपकी 4। अब हमको त्रिभुज की जो तीनों भुजाएँ हैं वो आपकी पता चल गई हैं, और हमको जो त्रिभुज की तीनों भुजा पता चल गई हैं तो हम किसी का भी आंसर अब बता देंगे। जैसे कि कोट का बात करें तो कोट क्या होता है दोस्तों, कोट होता है आपका आधार बटे लंब, कोट क्या होता है दोस्तों आपका आधार बटे लंब, आधार इसका कितना है चार है, लंब कितना है दोस्तों तीन है, तो इसकी जो वैल्यू कितनी होगी चार बटे तीन होगी। बात करें सेक की तो सेक होता है दोस्तों आपका करण बटे आधार, करण बटे आधार होता है, करण इसका कितना है दोस्तों आपका पाँच है, आधार कितना है आपका चार है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी पाँच बटे चार हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको दोस्तों यहाँ पर पता चल गई होगी। अब चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपके मोस्टली जो ट्रिपलेट बनते हैं, यानी कि किसी भी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का जो वर्ग का योग होता है वो तीसरी जो बड़ी भुजा होती है उसके वर्ग के योग के बराबर होता है, चार पाँच, यानी कि आपका तीन चार पाँच एक ट्रिपलेट होता है। उसके अलावा दोस्तों 5, 12, 13, उसके अलावा दोस्तों आपका 7, यानी कि 7, 24, और आपका यहाँ पर 25, 8, 15, 17, 9, 12, 15, उसके अलावा और भी बनते हैं दोस्तों 9, 40, 41, ये भी ट्रिपलेट जो है दोस्तों यहाँ पर आपके बनते हैं 9, 40, 41, उसके अलावा थोड़ा दोस्तों और भी बनते हैं आपका 10, 24, 26, 11, 60, 61, 12, 35, 37, ये त्रिभुज की जो है दोस्तों ट्रिपलेट बनते हैं, जो कि आपको ये जो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो अब चलिए दोस्तों हमें इसको हटाते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ, बताइए कि कोस थीटा बराबर है दोस्तों आपका, कोस थीटा बराबर कितना है दोस्तों पाँच बटे तेरह है, कितना है दोस्तों आपका कोस थीटा बराबर पाँच बटे तेरह। तो अब जो है दोस्तों मेरे को यहाँ पर आपको बताइए कि टेन थीटा यहाँ पर क्या होगा, और आपका दोस्तों मैं बात करूँ कोसेक थीटा बताइए क्या होगा।
तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा क्या होता है, यानी कि कोस थीटा क्या होता है दोस्तों। कोस थीटा आधार बटे कर्ण होती है, क्या होती है दोस्तों आपकी कोस थीटा आधार बटे कर्ण। और जब आपको दो भुजा आपको 5 और 13 दिख रही है तो आपके दिमाग में बिल्कुल ट्रिपलेट घूमना चाहिए कि एक भुजा 5 है 1 13 है, तो आपकी एक और जो भुजा होगी वो दोस्तों क्या होगी, वो आपकी 12 होगी, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका ये जो क्या है, इस प्रकार से कोई भी एक राइट एंगल है, यानी कि दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर आपका आधार इसका कितना है दोस्तों, आधार इसका 5 है, कर्ण इसका कितना है दोस्तों, कर्ण आपका 13 है। तो यह भुजा आपकी कन्फर्म है कि 12 की ही होगी, कितने की होगी आपकी 12 की। और जब आपको यह इतना आपको पता चल गया तो आप बिल्कुल जो है दोस्तों बताइए कि टेन टीटा क्या होता है। टेन टीटा होता है दोस्तों आपका लंब बटे आधार होता है। क्या होता है टेन टीटा, लंब बटे आधार। लंब कितना है दोस्तों आपका 12 है, आधार कितना है आपका 5 है। कोसेक टीटा क्या होता है, कोसेक टीटा होता है दोस्तों आपका कर्ण बटे लंब। क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है दोस्तों 13 है, लंब कितना है 12 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों जो कि ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं। अब चलिए हम जो है दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज बनती हैं, जैसे कि आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो कि आपने अच्छे से जो है दोस्तों पढ़ी होगी, अच्छे से आपने यहाँ पर दोस्तों पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है दोस्तों 1। तो ये जो आपकी 1 होती है दोस्तों, 1 आपकी निकल करके कहाँ से आती है, ये आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों आपका पी एफ ओन एच का होल स्क्वायर है। यानी कि दोस्तों पी एफ ओन एच क्या है दोस्तों, आपका कुछ नहीं है, आपका लंब बटे कर्ण है, बस इसको इंग्लिश में लिख दिया गया है। यानी कि ये जो आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बात करें हम यहाँ पर, तो ये क्या है दोस्तों बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है दोस्तों, आपका आधार बटे कर्ण है। आधार बटे क्या है तो आपका कर्ण है। हिंदी और इंग्लिश दोस्तों दोनों में लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पर दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि इसको आप ऐसे भी जो है दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका पी स्क्वायर प्लस में आपका एच स्क्वायर, यानी अलग अलग जो आप इनको आप लिख सकते हैं। तो इनका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि आपका पी स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका एच स्क्वायर होता है दोस्तों। ये चीज़ भी आपको पता होगी पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसमें। तो यहाँ पर दोनों को करें तो क्या आएगा एच स्क्वायर, इससे जो आपका कैंसिल हो जाएगा यानी कि कट जाएगा, कट जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा आपका 1, जो कि आपका 1 यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। तो अब हम यहीं से आपकी जो 3 फॉर्मूले बनते हैं, यानी कि अब बात करें कि हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर लाएं तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा। उसके अलावा बात करें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तीनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों आपकी आइडेंटिटीज हैं त्रिकोणमिति, जो सर्व समीकरण होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों तीनों ही जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब चलिए हम जो है दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपका कि ये जो आपका क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यदि मैं इसी को जो है भाग दोस्तों दे दूं आपका साइन स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ पर आपका 3 आइडेंटिटीज और निकल करके आती हैं। और वो क्या निकल करके आती हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यानी कि आपका 1 प्लस है तो प्लस कोस बटे साइन क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कोट होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर है आपका 1 बटे साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आता है होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बात करें यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बात करें कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो है दोस्तों 3 आइडेंटिटीज जो होती हैं वो आपकी दोस्तों यहाँ से निकल करके आती हैं, जो कि आपको पता चल गई होगी। अब जो दोस्तों इसको यदि मैं आपका कोस से डिवाइड कर दूँ, किससे आपका कोस स्क्वायर थीटा से, तो 3 यहाँ से निकलेंगी। यानी कि मोस्टली ये जो आपका आइडेंटिटीज होती हैं वो कितनी होती हैं, वो आपकी 9 होती हैं, जो कि 3 यह हो गई और 3 जो है दोस्तों आपकी यह हो गई, 3 और निकलेंगी। कौन सी निकलेंगी दोस्तों यहाँ पर, यानी कोस से साइन, यानी कि साइन बटे दोस्तों कोस क्या होता है आपको पता हुआ दोस्तों कि 10 होता है, क्या होता है आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस में कोस से कोस जो कट जाएगा यानी कि 1
बराबर में आपका एक बटे कोस क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब बात करें दोस्तों कि ये जो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। और जो आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये जो आपका बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये तीन जो है दोस्तों आपकी यहाँ से आइडेंटिटीज निकल करके आती हैं। मोस्टली जो है दोस्तों मैंने आपको बताई थी कितनी होती हैं, तीन ए हो गई, तीन ए हो गई और तीन जो है दोस्तों आपकी ए हो गई। मोस्टली जो नौ आपकी आइडेंटिटीज होती हैं जो कि बिल्कुल जो है दोस्तों आपको रटी हुई होनी चाहिए, मुँह जुबानी याद होनी चाहिए, तो ये जो आपको दोस्तों यहाँ पर पता चल गई होगी। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, और वो क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है यानी कि सारणी, तो सारणी से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछ लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो है सारणी भी देख लेते हैं, यानी कि जो आपका टेबल होती है, टेबल तो जो टेबल होती है दोस्तों वो आपकी किस प्रकार से काम करती है, यानी कि यहाँ पर आपका साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब जो दोस्तों कुछ क्या बताते हैं कि यहाँ पर आपको जीरो बटे आपका यहाँ पर एक जीरो बटे दो इनका रूट चढ़ाएंगे, यह इस प्रकार से आपको बिल्कुल नहीं दोस्तों रटनी है, ना ही याद करनी है, ये जो आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, कोई भी इसमें ट्रिक काम नहीं करती, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होगी तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज जो है दोस्तों यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ कितनी होती है, जीरो डिग्री होती है, यहाँ तीस डिग्री होती है, यहाँ 45 डिग्री होती है, और यहाँ पर आपका 60 डिग्री होती है, और आगे आपकी कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, जो कि आपको यहाँ पर पता होगा। इनके बीच में चलिए लाइन में जो होती है वो बना देता हूँ, इन सभी के बीच में इस प्रकार से आपकी लाइन जो होती है ये आपको यहाँ पर दोस्तों ये जो लाइन आपकी यहाँ पर दिख गई होगी। इस प्रकार से जो दोस्तों यह होती है, अब बताइए कि इनकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पर आपकी जो क्या पता होना चाहिए आपको कि ये जो आपका साइन जीरो डिग्री की वैल्यू आपकी जीरो, उसके अलावा जीरो एक जीरो इनफाइनाइट एक इनफाइनाइट, यहाँ पर आप डायरेक्ट इस प्रकार से वैल्यू जो होती हैं दोस्तों उनको याद कर सकते हैं, यानी जीरो एक जीरो इनफाइनाइट एक इनफाइनाइट। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक बटे दो होती है, इसकी एक बटे रूट टू होती है, इसकी बात करें तो दोस्तों आपका रूट थ्री अपॉन टू, और यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यू होती है दोस्तों आपकी एक होती है, और इसी के जस्ट उल्टा यानी कि अपोजिट कर देना, यानी कि दोस्तों आप जीरो को यहाँ लिख दीजिए, एक बटे दो को यहाँ पर एक बटे दो, इसको दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से लिख देना है, इसको दोस्तों इधर ले आइए, यानी रूट थ्री अपॉन टू, और एक को एक यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों एक बटे रूट थ्री, एक और आपका रूट थ्री और इनफाइनाइट, और दोस्तों ये जो आपका इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, जीरो है तो जीरो, एक बटे तीन को दोस्तों आप यहाँ पर लिख दीजिए, एक बटे रूट थ्री, एक को एक और रूट थ्री को दोस्तों यहाँ पर रूट थ्री, ठीक उसी प्रकार से आपका दोस्तों यहाँ पर उसी प्रकार दे गए हैं तो रूट टू रूट थ्री, और रूट में आपका टू, यहाँ पर दोस्तों करें तो आपका कितना आएगा दो, यहाँ पर इनफाइनाइट यहाँ एक, यहाँ पर दोस्तों आपका टू अपॉन रूट थ्री अंडर रूट टू, यहाँ पर दोस्तों आपका टू। तो पूरी जो आपकी टेबल है, पूरी जो सारणी है दोस्तों वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों होती है। तो बिल्कुल आपको जो टेबल होती है वो भी आपको कंप्लीट पता चल गई होगी। उसके अलावा जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं दोस्तों यानी कि आपका जिसको आप चतुर्थांश कहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और इसमें आपको डायरेक्ट इनकी जो वैल्यू है दोस्तों वो आपकी पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि बताइए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रूट थ्री अपॉन टू होती है। उसके अलावा मैं बात करूं कि कोस 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बटे रूट टू होती है। बात करूं मैं सेक आपका सेक 45 डिग्री की तो कितनी होती है, रूट थ्री यानी रूट टू। तो ये इस प्रकार से इनकी जो डायरेक्ट वैल्यू है दोस्तों वो आपको रटी हुई होनी चाहिए, जब और जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत ही आसानी होती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है दोस्तों इनके जो आपके एग्जाम्पल होते हैं यानी कि जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको आप सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जो इसको हटाते हैं
और जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं यानी कि चतुर्थांश उनको बताते हैं। तो अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर क्या देखते हैं, आपके क्वाड्रेंट यानी कि आपके चतुर्थांश, चतुर्थांश आपके जो इस प्रकार से एक प्लेन होता है जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है, इस प्रकार से जो आपका प्लेन है आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपके क्या बनते हैं यहीं पर जो आपके चतुर्थांश बनते हैं यानी कि क्वाड्रेंट। बात करें यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर आपका कितने डिग्री होता है, यहाँ पर आपका जीरो डिग्री होता है। उसके अलावा बात करें ऊपर में तो यहाँ पर आपका कितने डिग्री हो जाता है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ की बात करें तो 180 डिग्री हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पर बात करें तो कितना हो जाता है आपका 270 डिग्री। ये चारों जो क्वाड्रेंट होते हैं, चारों चतुर्थांश होते हैं जो कि यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। अब दोस्तों चारों चतुर्थांश होते हैं यानी कि ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया दोस्तों, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यानी कि दोस्तों चारों चतुर्थांश हैं और चारों चतुर्थांश अलग अलग हैं, और सभी में जो वैल्यू दी गई होगी वो चारों की जो वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो आपका पहला क्या होता है, इसमें छः रेशियो होते हैं आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सभी जो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सभी प्लस में होते हैं, यानी कि हम बात करें ऑल पॉजिटिव भी कह सकते हैं, यानी सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ये जो आपका जीरो डिग्री से लेकर 90 डिग्री दोनों के बीच में सभी जो आपके सभी के मान पॉजिटिव में होते हैं। और बात करें यहाँ पर हम तो यहाँ पर इसमें दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। इसमें बात करें तो आपका जो साइन थीटा और आपका कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा होता है और साइन थीटा के अपोजिट क्या होता है आपका कोसेक थीटा होता है, दोनों वैल्यू जो आपकी पॉजिटिव में होती हैं प्लस में होती हैं। बाकी जो चार वैल्यू होती हैं, चार रेशियो, वो आपके आपके ऋणात्मक होते हैं यानी कि आपका माइनस में होते हैं। अब यहाँ पर बात करें दोस्तों तो हमें यहाँ पर जो क्या होता है आपका टेन थीटा और आपका कोट थीटा, टेन थीटा और आपका कोट थीटा दोनों आपके प्लस में होंगे, बाकी चार क्या होंगे दोस्तों आपका माइनस में होंगे। अब चतुर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों, तो इसमें जो आपका दोस्तों कोस थीटा और आपका सेक थीटा दोनों आपके क्या होंगे प्लस में होंगे, बाकी चार क्या होंगे माइनस में होंगे। तो ये आपको बिल्कुल जो है दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन प्लस में होगा कौन माइनस में, ये चारों आपको पता चल गया होगा। अब क्या होता है दोस्तों कि ये चारों क्वाड्रेंट तो आपके यहाँ पर दोस्तों हो चुके हैं, चारों क्वाड्रेंट में दोस्तों यहाँ पर होगा ये कि जब आपकी दोस्तों 90 डिग्री और आपका 270 डिग्री की बात होगी तो ये जो आपका आपस में चेंज होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी आपस में चेंज होगी। लेकिन ये जो आपका 180 और 360 डिग्री है दोस्तों, यहाँ से ये जो घूम के जाएगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये जो आपकी वैल्यू बिल्कुल आपकी सेम रहेगी, नहीं चेंज होगी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका बात करूँ कि जब जो दोस्तों 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा व 270 डिग्री प्लस व माइनस थीटा की चर्चा होगी तो वैल्यू चेंज होंगी दोस्तों, वैल्यू आपकी क्या होंगी आपकी चेंज होंगी। और चेंज जो है दोस्तों किस में होगी, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, यानी कि आपका साइन थीटा बदलेगा कोस थीटा में, कोसेक थीटा बदलेगा दोस्तों किस में आपका सेक थीटा में, और जो आपका टेन थीटा है टेन थीटा बदलेगा दोस्तों किस में आपका कोट थीटा में, और कोट थीटा टेन में यानी सेक कोसेक में कोस साइन में। इस प्रकार से आपस में ये सभी वैल्यू जो होंगी दोस्तों वो क्या होंगी, वो आपकी चेंजिंग होंगी। लेकिन जब बात करें आपकी 180 डिग्री और 360 डिग्री, तो इसमें किसी भी वैल्यू किसी का भी मान जो है दोस्तों आपका चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि बात करें हम 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा व 360 डिग्री प्लस व माइनस थीटा की चर्चा होने पर नो चेंज होगा, यानी कि दोस्तों आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो आपकी कब चेंज होती हैं और कब चेंज नहीं होती हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री में ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों भूमिका अदा करता है आपका क्वाड्रेंट, यानी कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड भी जो आपके दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूँ, जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों क्या बात करूँ आपकी कि टेन थीटा 135 डिग्री है, कितना है टेन थीटा 135 डिग्री, तो बताइए इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो दोस्तों मैं बात करूं टेन थीटा को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, 90 डिग्री प्लस में आपका 45 डिग्री, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। जब 90 की चर्चा हो रही है तो टेन जो है दोस्तों आपका कोट में बदल जाएगा, और आपका 45 डिग्री बचा, कितना बचा आपका 45, तो कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि आपका 1 होती है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 135 तो आपका दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 180 है, तो 135 इन दोनों के बीच में आएगा। जब इन दोनों के बीच में आता है दोस्तों 135, तो इसमें तो आपका सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, बाकी ये जो कोट है तो ये जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव में हो जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो मान होगा वो कितना होगा दोस्तों, -1 होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो कोई क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वाड्रेंट से भी काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं तक एंड होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर उसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।